नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 29 मई को सिरसा के ओड्ढा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बड़ी रैली होने जा रही है और इस रैली को लेकर के जो प्रबंधन का जिम्मा है वो पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर है उनको दिया गया है। आज सिरसा पहुँचे हैं और रैली तक सिरसा ही रहेंगे, तमाम जो प्रबंधन हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। सर, इस रैली होगी 29 को, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं और कितनी भीड़ है इस रैली में पहुंचेगी? सिरसा जिला की ये हरियाणा प्रगति रैली है जी। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के दौरे में निकले हुए हैं, क्योंकि 2 साल कोरोना काल की वजह से जनता के बीच में नहीं आ पाए थे जी। और परमात्मा ने कोरोना लगभग समापन पे है, उसी बीच में मुख्यमंत्री के प्रदेश के दौरे में, इसलिए 29 तारीख को मुख्यमंत्री जी सिरसा जिले के अंदर एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। जैसे 2014-19 हरियाणा के मुख्यमंत्री सबका साथ सबका विकास जी। में एक विकास के नाम से पूरा दम दिया था, उसी बीच में अब माननीय मुख्यमंत्री जी सिरसा के विकास के नाम से यहाँ के लोगों की मांग, हमारे कार्यकर्ताओं की मांग, नेताओं की मांग पे एक जिला विकास को पैसा देकर जाएंगे। मंत्री जी, जिस तरह से सिरसा में मेडिकल कॉलेज हैं, बाकी कुछ मांगे हैं, क्या बड़ी सौगातें हैं वो दी जाएंगी, कुछ पहले हमारे दर्शकों को आप बताएं। मैंने कहा जिला के हमारे लोगों ने अच्छी मांगे भेजी हैं और मुझे पूरी आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उन मांग को पूरा करवाएंगे जी। मुख्यमंत्री के अलावा कोई और बड़े नेता भी इस रैली में पहुंच रहे हैं? चौधरी रंजीत सिंह जी हैं जी, हमारे पूर्व विधायक हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे जिला की सारी टीम है उस रैली में रहने वाली है। इस जो सिरसा ज़िला है जिसकी सीमा पंजाब और राजस्थान के साथ लगती है, पिछले कई दिनों से यहाँ पे नशे को लेकर के मौत हो रही हैं, नशे का गढ़ बनता जा रहा है ये इलाका, चिट्टा नशा है। हालांकि जो है एसपी हैं, जब वो यहाँ पे आए थे तो उन्होंने काफ़ी प्रयास भी किया, लेकिन लगातार जो मौत होने का सिलसिला है वो जारी है, तो इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री जी से चर्चा की जाएगी कि नशा कैसे रुके सिरसा में, क्या प्रबंध किए जाएँ? ये आई है बात और आपके चैनल के माध्यम से भी आई है, लोगों के बीच में भी मुझे पता लगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बात करेंगे और इस विषय पर हमारी सरकार का एजेंडा है नशा ख़त्म करना जी। जो बच्चे इस नशे में जा रहे हैं, इसलिए हरियाणा में आज नौजवान खेल के मैदान में ज़्यादा जा रहा है, परंतु सिरसा के जैसी रिपोर्ट आई है, इसलिए हम खेल के मैदान के ऊपर नौजवानों के बढ़ाने की योजना बनाएंगे जिससे वो नशे में ना जाए, खेल के मैदान में आए। ग्रुप साहब, कल आम आदमी पार्टी ने अपने एक मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला है, उसको बर्खास्त किया गया, आरोप है कि वो 1% कमीशन ले रहे थे, आप इसको किस नज़र से देखते हैं इस एक्शन को? मैं कह रहा हूँ, जब से पंजाब में आप पार्टी बनी है जी, लगातार वहाँ घटनाएं कुछ ना कुछ हो रही हैं जी। उस घटनाओं को बचने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने ये काम किया, नहीं तो केजरीवाल जैसा जो कहता था मैं अपनी गाड़ी में नहीं चलूँगा, सरकारी गाड़ी में नहीं चलूँगा, छोटी गाड़ी में चलूँगा, करोड़ों रुपये अपनी कोठी पर स्विमिंग पूल पर लगवा दिए, बोलना कुछ दिखाना कुछ, इसलिए जनता समझ रही है ये एक ड्रामा है, उसका ड्रामा है। और ये केजरीवाल जी जितना ईमानदार आपको दिखाता है उतना अंदर से नहीं है, इसलिए केजरीवाल की पोल आस्था तक खुलने वाली है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। 29 मई को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओड्डा की रैली की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले प्रबंधन को लेकर के लगातार चर्चा है वो करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।